निम्बल न्यूज, द ट्रुथ अनफोल्ड। दोस्तों ये बात तो आपको भी पता होगी कि देश में दिन ब दिन कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा, और ऐसे में इतने दिन तो चुनावी माहौल भी चल रहा था, अब तो कल चुनावी नतीजे भी आ चुके हैं, चुनाव खत्म हो चुके हैं, और ऐसे में चुनाव के तुरंत बाद लॉकडाउन को लेकर भी एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है, साथ ही कोरोना से जुड़े कुछ और न्यूज अपडेट्स भी हैं। तो आइए आपको रूबरू करवाते हैं आज दिन भर के कोरोना अपडेट्स को लेकर 10 बड़ी खबरों से। सबसे पहले तो बड़ी खबर देख पा रहे दोस्तों की आजकल आईपीएल क्रिकेट मैच का सीजन चल रहा है, और इसी बीच दोस्तों कलकत्ता के बाद अब चेन्नई सुपर किंग्स के 3 खिलाड़ियों को भी कोरोना हुआ, और कोरोना खेल भी खराब करके रख दिया। चेन्नई सुपर किंग्स के 3 सदस्य पॉजिटिव पाए गए, और इसके तुरंत बाद दोस्तों कोहली और मॉर्गन की टीमों का मैच भी स्थगित कर दिया गया, यानी कि फिलहाल इस मैच को रद्द कर दिया। आईपीएल पर कोरोना के कार को देखते हुए 2 खिलाड़ी तो अलग से पॉजिटिव पाए गए और एक और पाया गया पॉजिटिव, और उसके बाद दोस्तों आज होने वाला केकेआर वर्सेस आरसीबी के बीच का मैच भी रद्द हो गया। कोरोना के कहर का असर अब आईपीएल पर भी पड़ रहा है, सोमवार को होने वाले कलकत्ता नाइट राइडर्स और बंगलुरु के मैच को रद्द कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक कलकत्ता के 2 खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके बाद फैसला लिया गया है। साथ ही कोरोना पर बड़ी खबर देखिए दोस्तों के, सुप्रीम कोर्ट ने कहा लॉकडाउन लगाने पर गंभीरता से विचार करे सरकार। जी हाँ, अभी जो कोरोना वायरस की महामारी का मसला चल रहा ना, इसके बाद सरकारों को मतलब अभी लॉकडाउन लगाना चाहिए या नहीं, इस पर हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का सरकारों के लिए एक आदेश या चेतावनी या सजेशन कह सकते हैं वो निकल कर आ रहा कि सरकारें जो है वो कोरोना पर काबू पाने के लिए लॉकडाउन पर विचार करें। केंद्र सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह की नसीहत दी है। कल शाम को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम केंद्र और राज्य सरकारों से सामूहिक समारोह और सुपर स्प्रेडर कार्यक्रमों पर रोक लगाने पर विचार करने का आग्रह करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों से कहा कि वे लोक कल्याण के हित में दूसरी लहर के वायरस पर अंकुश लगाने के लिए लॉकडाउन लगाने पर भी विचार कर सकते हैं। आपको पता होगा दोस्तों कि हाल ही में अमेरिका के एक बड़े डॉक्टर के द्वारा भी भारत सरकार को यह नसीहत दी गई थी कि सरकारों को अभी पूरा देश पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए, मतलब पूरी तरह से ब्लॉक कर देना चाहिए, और अब सुप्रीम कोर्ट भी हमारे देश की सर्वोच्च न्यायालय भी यही कह रही कि लॉकडाउन लगा देना चाहिए। ऐसे में आपको पता होगा पहले से ही कई राज्य सरकारें अपने अपने स्तर पर कुछ 10 दिन का कुछ 15 दिन का लॉकडाउन लगा चुकी है। अब दोस्तों देखना ये होगा कि केंद्र सरकार क्या पूरे देश में एक बार फिर से ब्लॉक कर देगी, क्या पूरे देश एक बार फिर से बंद हो जाएगा, पूरा देश एक बार फिर से पोज कर सकती है सरकार, शटडाउन कर सकती है सरकार, क्या निर्णय लेती है वो मैं आप अपडेट बता दूंगा। फिलहाल देखिए एक और बड़ी खबर ऐसे ही लॉकडाउन से जुड़ी कि चुनाव खत्म होते ही लॉकडाउन की ओर बढ़ने लगा हमारा देश, 2 राज्यों ने ऐलान कर दिया। हाल ही में आपको बताऊंगा 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के परिणाम जारी हो चुके हैं, और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में पंचायती चुनाव के परिणामों की घोषणा भी हो चुकी है। ऐसे में अब कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच देश जो है वो धीरे धीरे लॉकडाउन की ओर बढ़ने लगा। कोरोना की तेजी से बढ़ती रफ्तार को देखते हुए राष्ट्रीय टास्क फोर्स ने सरकार से कोरोना की चेन तोड़ने के लिए 2 सप्ताह के राष्ट्रीय लॉकडाउन की सिफारिश भी की है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अब हरियाणा राज्य और उड़ीसा सहित कुछ राज्यों ने पहले से ही लॉकडाउन की घोषणा कर दी है। हालात ये दोस्तों कि एक दिन में कोरोना मरीजों की संख्या 4-4 लाख से भी ज्यादा हो चुकी है। देश के 12 ऐसे राज्य हैं जहां संक्रमण की स्थितियां सबसे ज्यादा गंभीर बनी हुई हैं, और स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक भारत के सभी राज्यों में कुल मिलाकर के 150 जिले ऐसे हैं जहां पर संक्रमण की दर 15% से भी ज्यादा है। तो कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए इन सभी राज्यों में लॉकडाउन लगाए जाने की आवश्यकता है। अब सुप्रीम कोर्ट का भी यही कहना है, और चुनाव वगैरह भी खत्म हो चुके हैं तो हो सकता है कि सरकार 1-2 सप्ताह का राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन लगा दे। खैर जो भी ऑफिशियल अपडेट आएगा मैं आपको बताऊंगा जरूर DLS न्यूज चैनल के माध्यम से। फिलहाल एक इम्पोर्टेंट अपडेट देखिए दोस्तों की, कोरोना से हुई कमजोरी को भगाए दूर, फुल रिकवरी के लिए आप ये 10 काम कर सकते हैं। अगर आपके घर परिवार में, फैमिली में, रिश्तेदार में, पास आस पड़ोस में कोई भी कोरोना पॉजिटिव हो गया, उनको वीकनेस है, कमजोरी है, तो आप उनके लिए ये नुस्खे अपना सकते हैं। 10 ऐसे तरीके हैं जो एक्सपर्ट्स की राय के मुताबिक निकल कर आ रहे, जिनसे आप अपनी बॉडी को वापस रिकवर कर सकते हैं। हेल्थ एक्सपर्ट ने कोरोना मरीजों के लिए कुछ ऐसे टिप्स बताए हैं जो जल्दी रिकवरी में मदद करते हैं, मतलब ठीक हो चुके हैं तो भी उनकी बॉडी परफेक्ट हो जाएगी, और ठीक नहीं भी हुए तो जल्दी रिकवर होने की चांस बढ़ जाएंगे। देखिए दोस्तों, सुरक्षा का ख्याल रखते हुए न्यूट्रिशन, फिटनेस और पूरे हेल्थ पर ध्यान देने की जरूरत बताई है एक्सपर्ट लोगों ने। इसके लिए सबसे पहले आप सुबह सुबह जल्दी उठें। सुबह जल्दी उठने से आप अंदर से खुद को सकारात्मक और ऊर्जावान महसूस करेंगे। सुबह की ताजी हवा और धूप शरीर को एक्टिव बनाती है। सुबह सुबह एक्सरसाइज करने से मूड अच्छा होता है और दिन अच्छा गुजरता है। इससे आप शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी मजबूत होंगे। आसान एक्सरसाइज से शुरुआत करें और धीरे धीरे अपनी वॉक को बढ़ाएं, एक्सरसाइज को बढ़ाएं, प्राणायाम करें। घर पर रहते हुए ऑक्सीजन का स्तर सही रखने के लिए आप अनुलोम विलोम, भ्रामरी, कपालभाति, भस्त्रिका, ये प्राणायाम कर सकते हैं। अब इन प्राणायामों को कैसे करना है दोस्तों, तो इसके लिए आप YouTube पर भी सर्च कर सकते हैं। वैसे हमारे देश में तो योग गुरु बाबा रामदेव बहुत अच्छे अच्छे प्राणायाम बताते हैं, तो उनको आप फॉलो करें।
करें, ठीक है ना। प्राणायाम करने से शरीर में ऑक्सीजन की कमी नहीं होती है, और इस तरह से प्राणायाम को हर दिन करें आप। सुबह की ताजी धूप लें, इससे आपको आपके शरीर में विटामिन डी पूरा मिलता रहेगा और एनर्जी भी मिलेगी। तकरीबन हर दिन 30 मिनट धूप में बैठें। सुबह सुबह की धूप जो होती है वो तेज नहीं होती है, इसलिए सुबह की धूप में आप फॉलो अप कर सकते हैं। इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स खाएं, काजू बादाम किशमिश अखरोट वगैरह ये चीजें खाएं। ड्राई फ्रूट्स खाने से आपके शरीर को अंदर से मजबूती मिलेगी। लंच में हमेशा हल्का खाना लें और हर दिन दाल का पानी पिए। एक दिन छोड़कर एक दिन पौष्टिक खिचड़ी बनाएं, इससे शरीर जल्दी मजबूती में आएगा। पानी मतलब फुल पिए, आजकल लिक्विड और ज्यादा डबल कर दें आप। मोरिंगा का सूप पीने में भी, मोरिंगा में बहुत सारे औषधीय गुण होते हैं और इसमें कैल्शियम और फास्फोरस होता है। ये आपकी हड्डियों को मजबूत करने के साथ ही डिप्रेशन घबराहट और थकान को भी दूर करता है। सप्ताह में 2-3 बार मोरिंगा का सूप जरूर पिए। जीरा धनिया और सौंफ की चाय पिए, ये आपके शरीर को अंदर से साफ करते हैं, आपके वजन को कंट्रोल करते हैं, तनाव घटाते हैं और पाचन क्रिया को सही करते हैं। इससे खाना खाने के 1 घंटे बाद आप पी सकते हैं। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आप हर्बल टी भी पी सकते हैं। रात में जल्दी सो जाएं, नींद की भी इसमें एक अहम भूमिका है। कोरोना से रिकवर होने वाले लोग नींद पूरी लें और बाकी मास्क तो लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें और नीम गिलोय वगैरह ये भी पीते रहें, ये शरीर को आपकी इम्यूनिटी को मजबूत करते हैं, है ना। तो इन कुछ बातों का ध्यान रखें अगर कोई कोरोना पेशेंट है तो। इस डाइट को फॉलो अप करते हुए आप जल्दी रिकवर हो सकते हैं।